Vishwana, first let me get to the political points and then we get me. हाँ, basically मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शन कराएं, ये इलेक्शन दांडी के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिलके, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है, पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने हैं जिससे इकॉनमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो आई वुड नॉट वॉन्ट टू यूज़ अ नेगेटिव टर्म कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है। यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज मुशर्रफ के ज़माने में था तो मैंने आके इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस ज़माने में 9000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया, 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियां साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप 500 सस्ता तेल लाएंगे। भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफ़िकल्टीज़। आपको डिफ़िकल्टीज हैं, मुझे डिफ़िकल्टीज है, ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था, नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई, मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है, जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वॉन्ट टू नो, तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि किसी पब गलत आदमी को दे दें, उनकी उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें, मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो लाइंस जा रही हैं
उनको प्राइवेटाइज करना है। हमने जितने यहाँ सिंध में हैं या पंजाब में हैं उनको प्राइवेटाइज करके अपने बुक्स से हटा के उनको हम प्राइवेट सेक्टर के बुक्स पे ले जाएं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन हमसे कंसल्ट करें, हमारे साथ बैठें, और उनके बैठने से उनका इनपुट भी लेना चाहता हूँ, अपना इनपुट भी उनको बताना चाहता हूँ। पर सॉल्यूशंस होंगे आउट ऑफ द बॉक्स। इन द बॉक्स जिस तरह इकोनॉमिस्ट करते हैं और जिस तरह हमेशा ये करते रहे हैं कि जी उस वक्त इकॉनमी छोटी थी, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, आपने 2% नीचे कर दिया, 2% एक कम कर दिया, किस्सा चल जाता था। आज नहीं चलता। आज 50,000 रुपये में भी जो बंदा है उसको तकलीफ है, बिजली इतनी महंगी है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो हमने एक प्रोग्राम देना पड़ेगा हमें, जो पूरे सिंध में हम पाकिस्तान में हम सोलर सिस्टम जो हैं उसके पावर प्लांट्स खुद ना बनाए, इंडिविजुअल्स को हम सॉफ्ट लोन पे दें, इंडिविजुअल्स अपनी ज़मीनों पे भी लगाएं, पंप्स पे भी लगाएं और घरों में भी लगाएं, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बचती है, जो बचती है तो जो अफोर्डिंग सेक्टर है, जो कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको हम दें, बट विथ अ प्रोविज़ो कि भाई ऐसा ना हो कि इतनी महंगी हो जाए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो वायबल ना रहे। हमने नज़र प्रोडक्ट पे रखनी है, टैक्स हमने प्रोडक्ट से लेना है, और इस किस्म का मैं सिस्टम मिलके, मतलब कि एक पार्टी भी मैंने छोड़ी नहीं है जो पार्लियामेंट पे रिप्रेजेंटेड हो, जो हमारे साथ नहीं बैठी है। ये सिर्फ झूठ और झूठ का बोलबा है। जब जब खड़ा होता है तो एक उन्हीं एंजेलिको नहीं होते हैं, द प्रीस्ट, यू नो देम, द एंजेलिकन प्रीस्ट इन अमेरिका और एनी वेयर इन द वर्ल्ड, उनकी बड़ी फॉलोइंग होती है, वो बड़ा माल होता है, उनके पास पैसा आता है, इसके पास भी बड़ा माल आ रहा है जी, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो वो एक पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं, कल्ट क्रिएट करते हैं, उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो पाकिस्तान में इतना कर नहीं सकेंगे। हाँ, मैं ज़रूर देखता हूँ कि बाहर के पाकिस्तानी दोस्त जो बाहर सेटल है वो थोड़े घुमराह ने किए, उनको घुमराह किया हुआ है, वो यहाँ रहते नहीं हैं, उनको यहाँ की ना गर्मी का पता है ना महंगाई का पता है, उनको नहीं पता कि मैं गड़ी खुदाबक से आ रहा हूँ जहाँ 52 degrees थी, उनको नहीं पता कि मैं 3 दिन नवाबशाह में था जहाँ 48 मगर लगती 50 है, लू इतनी चलती है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ है। कोई भी दुनिया का कितना भी सॉफ्ट हार्टेड, कितना भी अच्छा हमारा हमारी सोच रखने वाला या हमारी सिंपथी रखने वाला, वो मेरा सोल्यूशन नहीं बना सकता। सोल्यूशन मैंने खुद बनाना है, सोल्यूशंस मैंने पाकिस्तान से बनाने हैं, सोल्यूशन मैंने अपनी मुल्क से बनाने हैं। और पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उसके लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो? उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके दादाजी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनने लिया हुआ है। उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनने वो लेते हैं, ओथ लेते हैं, ओथ पे रहे हैं। अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। और अगर जो भी इश्यूज हैं सिविलियंस के या कौम के या अवाम के, उसके अवामी नुमाइंदे जो हम हैं, हम किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात के हम इजी ट्रैवल ले रहे हैं, किस बात पे हमने लोगों के साथ जाके वादे किए। मेरे को नवाबशाह के लोगों ने 1,15,000 वोट क्यों दिए हैं?
ताकि मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, उनके मसले दुनिया में बता सकूं, मुल्क में बता सकूं और देख सकूं। अगर इंशाल्लाह अभी नई नई हुकूमत आई है, जेल होने में भी टाइम लगता है, हम बैठेंगे, अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं बाहर, वो वापस आएंगे। सिर्फ अगर कोरोना वाला आप हिसाब निकालें कि कोरोना के ज़माने में हमने फ्रॉम हाउस वर्क शुरू किया था, अभी कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल कैन हैव सम वाटर प्लीज, कितना परसेंटेज ऑफ पीपल कैन लिव लाइक दैट। अगर ऐसी है तो उसकी भी हमने एरिथमेटिक निकाल ली है कि भाई इतनी परसेंटेज लोगों की जो है वो घर से भी काम कर सकती हैं। अभी 2 महीने की बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां होने वाली हैं तो वो फैमिलीज भी घर पे हैं, तो हमने इस तरह की कटिंग्स देख के, इस तरह के पेवेंट लगा के दरख्त को, उसको फिर दोबारा फलदार करना है। सो दैट इज़ बेसिकली द थॉट बिहाइंड माई माइंड, एवरीथिंग हैज़ टू बी थॉट अकॉर्डिंगली। पानी के मसले में मैं भी ग्लेशियर जा रहा हूँ तेरे साथ, और तू वहाँ डिग करेगा मेरे साथ और हम दोनों डिगिंग करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, पानी आ रहा है। पानी का बड़ा मसला था, मैं खुद इंटीरियर में था, अपनी फसलों को देख के भी रो रहा था, गरीबों की फसलें देख के भी रो रहा था। तो पानी तो अल्लाह के हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, मौला करम करेगा इंशाल्लाह। हम ये तो नहीं कहेंगे लोगों को कि उम्र पे मत जाओ, वापस आ जाओ, मैंने जलसा करना है, मगर ये ज़रूर है कि जो हैं दोस्त जो बैठे हुए हैं उनको हम इस पे काम पे लगाएंगे। पानी एक इशू है, हमने सिंध में मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर को पता होगा कितने हमने कैनाल्स जो है उनकी लाइनिंग की है, कितनी लाइनिंग की है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की हमने लाइनिंग की है। थोड़ा इसका फ़र्क है, इस्लामाबाद ये नहीं समझता, इसलिए कि पंजाब में ये इशू नहीं है। पंजाब के जो वेल्स हैं, पंजाब का जो ट्यूबवेल है वो मीठा है, हमारे यहाँ ट्यूबवेल जो है वो खारा है। तो अच्छा, वो हम पे इफेक्ट है सी का, वाटर ट्रेवल्स अंडर द लैंड, सो वहाँ से जाके भी अफेक्ट करता है। बदीन तक तो हमारा समुद्र ऊपर आ गया, वहाँ से भी अफेक्ट करता है। तो इसको हमने ख़त्म करना है कि हमारी टेल एंडर्स की, हम टेल एंडर्स हैं तो हम उसके लिए हर काम कर रहे हैं जो टेल एंडर्स की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह टेल एंडर्स का वो हम मसले आस्ते आस्ते, एक साथ तो कोई भी मसला सॉल्व नहीं हो सकता। ये जो लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, भी फ्रेश इलेक्शन कराओ कि जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो, हमें करने दो, फिर हमें जाने दो इलेक्शंस में, वी विल सी, और मुझे लॉस तो बनाने दो। इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है जिस पे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है, ऐसा तो लॉ ना हो ना। और सारे मैंने सिर्फ हमने लॉज चेंज करने हैं, इम्प्रूवमेंट करनी है, और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months, 4 months, देर इज नॉट एन इशू, वी हैव टू वर्क ऑन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर पॉलिसीज ऑफ इम्प्रूविंग द इलेक्ट्रोल रोल। हाँ, जैसे फॉरेन पाकिस्तानीज का एक ने वो बनाया हुआ है, वी हैव नो इश्यूज, हम डायलॉग करके फॉरेन पाकिस्तानीज के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीट्स रख देंगे। जैसे आपके पास सीटें हैं फॉर माइनॉरिटी, फॉर सीटें हैं फॉर द वेमेन, तो हम उनके लिए सीटें निकाल लेंगे, जो पार्टीज इतने परसेंटेज वोट लेती है उसके हिसाब से उसकी सीटें हो जाएंगी, फिर वो सऊदी में दें या लंदन को दें या टेक्सस में दें, जहाँ भी पाकिस्तानीज की मेजॉरिटी है, मोस्टली ब्रिटेन में है, तो वहाँ दें। ये तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है जिसको इतना इशू बनाया हुआ है। हर चीज़ को ये पॉलिटिसाइज करते हैं और उससे पॉलिटिकल नेगेटिविटी आती है, इसलिए इट इज़ नॉट द राइट इशू, इशू ही ख़राब है, इशू ही गलत है। जब जो भी आप गलत रास्ता लेंगे, गलत
डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जो आप सही रास्ता लेंगे सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और मैंने शुरू से 5 साल मैंने आई वॉज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, यूसुफ रजा वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस बेचारे को निकाला भी गया, मगर मैंने कभी जजेस के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। हमें 5 साल तो परवेज मुशर्रफ साहब मुझे जेल में रख के बैठे थे, हम डिक्टेटर उसको ज़रूर कहते थे, मगर हमने कोई मुहिम उसके घर पे जाके हला नहीं बोल दिया। और मैं तो अब भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनली कह चुका हूँ कि मैं तो मुशर्रफ को ज़िंदा देखना चाहता हूँ, देखे और फिर उससे सबक हालत लगे, उसको पता पड़े कि सकरात क्या है, क्या तकलीफ़ है, जो किसी को दुख दे के किसी को असासिनेट करके जो जाता है या कहीं, तो उसको अल्लाह भी पूछता है। सिर्फ ये धरती नहीं है, सिर्फ यहाँ का लॉ नहीं है, एक और लॉ है ऊपर का, उस लॉ ने भी आपसे पूछना है। हमारे वर्कर उस ज़माने में कहते थे जयालक के लिए कि पाश पाश हो जाएगा, मेरे को समझ नहीं आती थी कि पाश पाश कैसे हो जाएगा, और जब हुआ तो फिर पाश पाश हो गया। तो उनकी वो ना ज़ुबान खल्क को नकारा है खुदा समझो, तो ज़ुबान खल्क थी वो बियॉन्ड माइंड थी, वो ज़ुबान खल्क थी। तो आई थिंक वी शुड लेट द इंस्टीट्यूशन अपना काम करें, उनको वहाँ मदद करें, हर डिपार्टमेंट अपना काम करे, उसको मदद करें। ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है, मुल्क को ने तबाह कर दिया है, रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल कंट्रीज तकरीबन जिसे कहते हैं ना मौजूद ही नहीं है, दे हैव लॉस्ट ए ट्रस्ट इन यू। तो उसको वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव एज मच एज वी कैन। उसके साथ साथ हम अपने को इतने एम्पावर करें, पाकिस्तान को मॉरल ने इतनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी दी है कि सिर्फ हमारे यहाँ अगर ये मजाक ना होता रहे तो आप उसका इतना बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। एक तरफ चाइना है तो सेकंड लार्जेस्ट पावर इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ कॉन्टिनेंट, फिर उससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, बैक पे हमारे इंडिया है, इस तरफ हमारे ईरान है, 140 मील दूर मुझसे ओमान है। अगर ओमान की तरफ मैं रास्ता बनवा दूं और मैं कोई ट्रेन बनवा दूं तो आप यू आर ऑन द उबारी सॉयल, वंस यू आर ऑन द उबारी सॉयल यू आर इन टू सऊदी अरेबिया बाय रोड, यू आर इन टू UAE बाय रोड, इराक, सब कुछ आपको बाय रोड जा सकते हैं। तो ये एक ज़माने में होता था, लोग बाय रोड जाते थे यूरोप, आपको याद नहीं होगा मगर मुझे याद है, इसलिए कि मैं इतना होश था मुझे कि लोग ड्राइव करते थे ऑल द वे टू यूरोप एंड ड्राइव बैक एंड इट वॉज कंसिडर्ड ओके। अब भी आपके पास ट्रेन लाइन है फ्रॉम इंडिया टू टर्की, उसको इनहांस करने में आई डोंट थिंक चाइना और एनी अदर कंट्री वुड बी अगेंस्ट इट, दे वुड बी फॉर इट। उसको फास्ट लेन बनाए, फास्ट ट्रैक बनाए, एंड डेफिनेटली सारे डिसीशंस हमने लेने हैं सब दोस्तों के साथ मिलके। ये नहीं है कि मैं एक बात करूंगा और मियाँ साहब दूसरी बात करेगा और थर्ड पार्टी मौलाना साहब कोई और बात करेगा, सब हम मिल जुल के मिल बैठ के और ये रीट्रेट करेंगे सिचुएशन को और संभालेंगे और मुकाबला करेंगे। जो डेमोक्रेसी इसमें जीत हार तो होती रहती है।